प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत आज हम करेंगे हिंदी कहानी। हिंदी कहानी देखिए, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानी आंदोलन, हिंदी की प्रमुख कहानियां, कहानी संग्रह और कहानी के तत्व, ये हमारा कहानी के अंतर्गत रहेगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि कहानी कहते किसे हैं, कहानी से तात्पर्य क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने कहानी को क्या कहा है? प्रेमचंद ने कहानी को कहा है गल्प। कहानी को क्या कहा है? गल्प। अब हम यहीं से बात शुरू करते हैं। गल्प एक ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य होता है। देखो, गल्प कहानी को कह दिया गल्प। गल्प एक ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य होता है। अब देखिए, प्रेमचंद ने कहा है, जैनेन्द्र क्या कहते हैं, डॉक्टर जैनेन्द्र कथाकार है, उपन्यासकार। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। अब देखिए, एच जी वेल्स कहानी के बारे में क्या कहते हैं? कहानी तो बस वही है जो 20 मिनट में साहस व कल्पना के साथ पड़ी है। कहानी तो बस वही है जो 20 मिनट में साहस व कल्पना के साथ पढ़ी जाए। तो हमने तीन परिभाषाएं की। प्रेमचंद ने कहा कि कहानी गल्प है, एक मनोभाव को चित्रण करना। जैनेन्द्र कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। एच जी वेल्स कहते हैं कहानी तो बस वही है जो साहस व कल्पना के साथ 20 मिनट में पढ़ी जाए। जयशंकर प्रसाद कहते हैं। सौंदर्य की झलक का चित्रण करना,
सौंदर्य की झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी है। और इसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी है। तो हमने चार परिभाषाएं की और हमने ये सिद्ध किया कि कहानी किसे कहेंगे? सीमित पात्र छोटी गद्यमयी रचना छोटी गद्य सीमित पात्र हो, छोटी गद्य में रचना हो और सीमित समय में हो और जिसका उद्देश्य जीवन के किसी मनोभाव का चित्रण करना हो। तो सीमित पात्र, सीमित समय, छोटी गद्य में रचना, जीवन के किसी मनोभाव का चित्रण करना ही जो रचना कर दे उसे कहानी कहते हैं। तो कहानी किसे कहते हैं हम दोबारा सुनेंगे। एक छोटी गद्य में रचना जो सीमित समय हो, सीमित पात्रों में हो, जीवन में किसी मनोभाव का चित्रण करे, वो उसे क्या कहेंगे? कहानी कहेंगे। हमने ये परिभाषाएं पढ़ी। अब हम बात करते हैं हिंदी की पहली कहानी। देखिए 1901 में माधव राव सप्रे की कहानी कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी कहलाती है। मधुमती को भी हिंदी की पहली कहानी कहा गया, एक टोकरी भर मिट्टी को भी कहा गया, इसके अलावा प्ले की चुड़ैल को कहा गया, 11 वर्ष का समय को भी हिंदी की पहली कहानी कहा गया। लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार 1901 में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी पर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। अतः आज हमने किया कि हिंदी कहानी किसे कहते हैं, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो अब हम इसका आगे विस्तार करेंगे, कहानी के तत्व, कहानी का विकास, इसके अंतर्गत प्रमुख कहानी आंदोलन भी आएंगे और प्रमुख कहानियों का हम विवेचन करेंगे। आज के लिए इतना।